भारत एक ऐसा देश जो अपनी कला, संस्कृति और अपने रहस्यमय इतिहास के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐसे ही महान देश में बहुत से ऐतिहासिक एवं अनोखे शहर हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो अपने स्वादिष्ट संतरे और उसकी खेती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसी कारण से इसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप लोग, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध नागपुर शहर के बारे में। जी हाँ, वही नागपुर जो ऑरेंज सिटी के लिए, दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, भारत की बाघ राजधानी के लिए, 3000 साल पुराने इतिहास के लिए और कई प्राकृतिक अजूबों के लिए जाना जाता है। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के सफर में मैं आपको नागपुर की बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में वाह वाह जरूर लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा और यह है आपका अपना चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन। सुप्रसिद्ध राज्य महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर एवं वहां की शीतकालीन राजधानी भी है। मित्रों, यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों, यह बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2034 तक नागपुर दुनिया का 5वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा, जो कि बहुत गर्व की बात है। और यह महाराष्ट्र के टॉप स्मार्ट सिटी में से भी एक है। और अगर दोस्तों यह बातें आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप गलत हैं, क्योंकि यह बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर तुरंत कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ के एमपी का नाम नितिन गडकरी, मेयर का नाम दयाशंकर तिवारी और कलेक्टर का नाम रविंद्र ठाकरे है और यहाँ के पुलिस अधीक्षक का नाम अमितेश कुमार है। मित्रों, नागपुर शहर 227.36 किलोमीटर स्क्वायर यानी 87.78 वर्ग मील में फैला हुआ है एवं इस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 310 मीटर यानी 1020 फीट है। दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के वार्षिक शीतकालीन सत्र की सीट भी है। यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र है। इसके अलावा शहर दलित बौद्ध आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के मुख्यालय होने के कारण यह शहर एक आदित्य महत्व प्रदान करता है। मित्रों, नागपुर को दीक्षा भूमि के लिए भी जाना जाता है, जिसे एक क्लास और पर्यटन तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इस शहर के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट की क्षेत्रीय शाखा भी है। एबीपी न्यूज के सर्वेक्षण के अनुसार नागपुर हरियाली और स्वच्छता के मामले में बहुत ऊपर आता है, जो कि ये शहर को लोगों के रहने के योग्य बहुत बना देता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनवरी 2018 में इसे खुले में शौच मुक्त भी घोषित कर दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। मित्रों, यह बात आपको जानकर गर्व होगा कि यह भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, जो कि इस शहर की सबसे अच्छी बातों में से आता है। यह नागपुर संतरे की खेती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से में खेती की जाने वाले संतरे का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण इसे कभी कभी ऑरेंज सिटी के रूप में भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे भारत की टाइगर कैपिटल या टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि शहर में और इसके आसपास कई सारे टाइगर रिजर्व स्थित हैं। दोस्तों, नागपुर का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये इतिहास 3000 साल पुराना है, जो कि बहुत रहस्यमय और हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नागपुर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, नागपुर का नाम महानदी नाग के नाम पर रखा गया था, जो शहर से होकर बहती है।
पुराना नागपुर शहर नाग नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो कि अभी भी देखा जा सकता है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने यह दावा किया था कि शहर और नदी दोनों का नाम नाग लोगों के नाम पर रखा गया है, जो कि काफी रहस्यमय बात प्रतीत होती है। मित्रों, 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के नेता बख्त बुलंद शाह ने शताब्दी के पूर्व शद्र में इस शहर का निर्माण किया था। वर्तमान नागपुर के आसपास मानव अस्तित्व का पता 3000 साल पहले से है। यहाँ अभी भी पुराने जमाने के लोगों के पत्थरों से बने घर खोजे जाते हैं, जो कि जमीन के अंदर दफन हुए होते हैं, जो कि दर्शाता है कि प्राचीन नागपुर कितना विकसित था। दोस्तों, 3री शताब्दी के अंत में राजा विद्य शक्ति को नागपुर क्षेत्र पर शासन करने के लिए जाना जाता है, और 4थी शताब्दी में वाकाटक राजवंश ने नागपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। वाकाटक राजा पृथ्वीसेन प्रथम ने अपनी राजधानी नागपुर से 38 किलोमीटर दूर नागधन में स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन फिर बाद में यह क्षेत्र बादामी चालुक्यों और राष्ट्रकूटों हिंदुओं के राज्य के शासन में आ गया। तो दोस्तों, अगर यहाँ के भूगोल की बात करें तो नागपुर भारतीय उपमहाद्वीपों के ठीक केंद्र में स्थित है, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाले चतुर्भुज के ज्यामितीय केंद्र के करीब है। वह 4 महानगरों के नाम चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता हैं। मित्रों, नागपुर शहर बहुत सुंदर प्राकृतिक झीलों से युक्त है। यहाँ की सबसे बड़ी झील अंबाझरी झील है, एवं और भी झीलें जैसे गोरेवाड़ा झील, तेलनखेड़ी झील शामिल हैं, जो कि इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, नागपुर पूर्व से भंडारा जिले, दक्षिण पूर्व से चंद्रपुर जिले, दक्षिण पश्चिम से वर्धा जिले और उत्तर पश्चिम से अमरावती जिले और उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से घिरा हुआ है। यहाँ कुल 7 तहसीलें हैं, जिनमें रामटेक, उमरेड, कलामेश्वर, कटोल, कामठी, कुही, नरखें शामिल हैं। मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 24,05,665 है, जिसमें लगभग 12,25,405 पुरुष एवं 11,80,270 महिलाएं हैं, एवं यहां की कुल जनसंख्या में 10.27% तो बच्चे ही हैं। मित्रों, यहां का लिंगानुपात हर 1,000 पुरुषों पर 926 महिलाओं का है, एवं नागपुर शहर की औसत साक्षरता दर 51.92% है, जिसमें पुरुष 94.44% और महिलाएं 79.31% साक्षर हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एवं यहाँ का साक्षरता दर मुंबई शहर से भी ज़्यादा है, जो कि आपको एक गर्व की सीढ़ी प्रदान करता है। मित्रों, इस शहर में धर्मों की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जो कि लगभग 68.46% है। फिर दोस्तों, बौद्ध धर्म आता है, जो कि नागपुर का दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, यह लगभग 15.54% है। मित्रों, यहाँ कई और भी लोकप्रिय धर्म हैं, जैसे इस्लाम 11.95%, ईसाई धर्म 1.15% और सिख धर्म 0.68% हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की भाषा या बोली के बारे में। तो दोस्तों, नागपुर में मराठी बोली अधिकारी और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ हिंदी और वरहदी भी शहर में ऊंचे स्तर पर बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ भाषाएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन यहाँ की अलग अलग भाषाएं लोगों को अलग अलग नहीं करती, क्योंकि दिल सबके एक ही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस शहर की काफ़ी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं,
जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं। इसका कारण यह है कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं कि हमें इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं जरूर इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाऊंगा और बची हुई प्रसिद्ध चीजें या बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।